वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी सिंसियर वेरी जेन्युइन. आप उसकी सिंसियरिटी को उसकी ईमानदारी पे आप को डाउट नहीं कर सकते. मगर कहीं पर क्योंकि अपनी एनर्जी वो डिसिपेट करते हैं औरों के काम में, तो कहीं पर जो ऊर्जा अपने काम के लिए बचा के रखनी चाहिए उनको, वो शायद वो बचा पाते नहीं हैं. मैंने हमें राही के शूटिंग के दौरान ही कहा था, एक हम गाना शूट कर रहे थे जूही के साथ में, तो मैंने एक शॉट जूही ने दिया, मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की, या फिर आमिर ने उसका दूसरा अपना काउंटर शॉट दिया, तो मैंने कहा देखो तुम बहुत ज़्यादा समझते हो, तुम इससे बेटर काम कर सकते हो, मगर क्योंकि तुम अपनी एनर्जीज बाकी की फजूल बातों में लगाते हो कि साहब पीछे टेबल का रंग कैसा है, कुर्सी कैसी है. मैं नहीं कहता हूँ कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर इतना भी नहीं देना चाहिए कि आप अपना बैकग्राउंड के चक्कर में फोरग्राउंड मार खाए. तो उस वक्त तो वो फ़ौरन मान गए थे, मगर फितरत, या अल्लाह मेरी फितरत बदल दे. हम सब अपनी फितरत के शिकार हैं, हम अपने फितरत के शिकार हैं, वो अपनी फितरत के शिकार हैं. तो मेरे ख्याल में अपनी पोटेंशियल को वो अब तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, और जिस दिन उनकी ऊर्जा केवल एक्टिंग में रहेगी, अपनी एनर्जी केवल एक्टिंग में रहेगी, तो मेरा यकीन है कि वो इससे ज़्यादा गहरा काम कर पाएंगे. हाँ, बिकॉज एक प्रेम कहानी थी, और मगर उसका टोन और टेनर बड़ा अनोखा था. इट वॉज नॉट अ यूजुअल लव स्टोरी. जूही एक ओवरग्रोन चाइल्ड ही थी, तो आमिर का जो रिश्ता था उस फिल्म में उसके साथ में एक तौर तरीका बिल्कुल व्यवहार बिल्कुल जैसे एक ओवरग्रोन चाइल्ड के साथ में आदमी करता वैसे ही था. कहीं पर जब एक मैन वुमन की अवेयरनेस आती तो क्राइसिस की पॉइंट आ जाती फिल्म में. मगर हाँ, इट वॉज़ अ वेरी स्वीट कहीं पर एक रिश्ता है दोनों का. उस वक्त था एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और वो कहीं पर पर्दे पर नजर आता था. शायद उस वक्त एक ऐसी अपना यंग पारिवारिक फिल्म नहीं थी. यानी परिवार के साथ में जब आप जाते हैं और एक मीठी बॉय मीट्स गर्ल स्टोरी भी देखते हैं जिसमें एक आदमी एक घर की जिम्मेदारी भी निभाता, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, ख़ास करके जब उसके वैल्यूज़ जो हैं बहुत ही मिडिल क्लास हों, और उसमें कोई ऐसी कोई दिल कुछ दहला देने वाली या कोई आपकी वैल्यूज़ को जोड़ करने वाली कोई बात ना हो. और उसमें बाकी नौजवान अपना छोटे छोटे किरदार जो थे लोगों के बहुत अनोखे थे, जैसे वीरू कृष्ण का रोल था और जूही के पिता का रोल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमियो रोल्स दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. अच्छी फिल्म की खासियत ये होती है, बट द ट्रायंफ दैट गोज टू द राइटर्स. कहीं पर राइटर्स की ईमानदारी और राइटर्स की अनयूजुअल सोच.